एवरीवन, सो द फाइनल वेट इज ओवर। जैसे कि मैंने बोला था कि इस महीने के एंड में मैं ये वाला वीडियो अपलोड करूंगा, सो हियर इट इज। सो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ग्रुप ए का विनर कौन है और ग्रुप बी का विनर कौन है, और उसके साथ साथ ग्रुप ए का टॉप 5 कंटेस्टेंट्स कौन है और ग्रुप बी का भी टॉप 5 कंटेस्टेंट्स कौन है, जिनको मैं पर्सनल कोचिंग देने वाला हूँ अगले एक महीने के लिए, जहाँ पर मैं गूगल मीट में क्लास लूंगा उन लोगों को और मैं जितना भी जानता हूँ रियलिस्टिक ड्राइंग, पोर्ट्रेट ड्राइंग के बारे में वो आप लोगों को सिखाऊंगा। सो पर उसके पहले मैं कुछ और ड्राइंग्स आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जो ड्राइंग्स पिछले वाले वीडियो में रह गए थे, मतलब कुछ कारणों की वजह से मैंने कुछ ड्राइंग्स को दिखाया नहीं था पिछले वीडियो में, तो वो भी मैं दिखा दूंगा क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता कि किसी का भी आर्टवर्क छूट जाए। तो सबका ड्राइंग दिखाने के लिए जो रह गया था वो भी मैं इस वीडियो में दिखा दूंगा, तो पहले वो दिखा लेते हैं फिर जो विनर है वो डिक्लेयर करते हैं। तो ये है वो आर्टवर्क्स जो मैंने पिछले वाले रिव्यू वीडियो में दिखाई नहीं था, क्योंकि कुछ रूल्स नहीं फॉलो करने की वजह से मेरे पास ये वाला जो आर्टवर्क्स है वो ठीक से पहुँचा नहीं था, पर बाद में मैंने ये सब कलेक्ट कर लिया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला जो ड्राइंग है वो टेक्नो ब्लेड फन क्लब से निशांत दास का है, जिनका एज है 13। तो इनका ड्राइंग बहुत अच्छा ही हुआ पर थोड़ा ब्लेंडिंग ज़्यादा हो गया है इसलिए थोड़ा मैसे दिख रहा है, ब्लेंडिंग कम करो निशांत, बाकी ड्राइंग ठीक ठाक है और स्केचिंग में ध्यान दो, छोटा वाला जो फेस है वो ज़्यादा ठीक नहीं बना है। ओके, सेकेंड है अकदाश खान का, इनका एज है 14। इनका भी ड्राइंग बहुत अच्छा बना है, स्पेशली बैकग्राउंड में जो काम किया है व्हाइट जेल पेन से वो भी थोड़ा नीट एंड क्लीन ही बना है, ज़्यादा गंदा नहीं हुआ, तो ड्राइंग अच्छा है। उसके बाद है माना सेन का, इनका ड्राइंग भी बहुत अच्छा है बना है, पर इनका एज क्या है वो मुझे नहीं पता क्योंकि यहाँ पर फोटो में एज मेंशन नहीं था। ओके, ड्राइंग अच्छा है, छोटा वाला फेस और भी अच्छा हो सकता था। नेक्स्ट है स्केच मैनिक का, स्केच मैनिक का ड्राइंग का बड़ा वाला फेस ठीक दिख रहा है पर थोड़ा गंदा हुआ है, मतलब शेडिंग बहुत ज़्यादा कर दिया है, डार्क पेंसिल ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, लाइट पेंसिल कम इस्तेमाल हुआ है, स्पेशली छोटा वाला फेस देखो यहाँ पर थोड़ा मैसे दिख रहा है, ये सारी चीज़ें ठीक करना ज़रूरी था। नाउ नेक्स्ट है क्रिएशन JISS का, तो इनका जो ड्राइंग है इसमें बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा ब्लेंड कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा ग्लॉसी कर रहा है, तो ब्लेंड नहीं करना था। आप अगर वीडियो को अच्छे से देखते तो यहाँ पर कैसे आप ब्लेंड ना करते हुए भी डार्क कर सकते हो वो मैंने सिखाया था अच्छे से, तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा कोशिश करना कि ठीक से करने को। नेक्स्ट है शायन दास का, शायन का ड्राइंग अच्छा हुआ है पर पेंसिल का प्रेशर यहाँ पर विजिबल हो रहा है, मतलब जूम करो तो देखोगे यहाँ पर पेंसिल से जो प्रेशर गिरा है पेज पर वो दिख रहा है, पेज ऐसे दब गया है, तो वो उसके लिए थोड़ा अजीब दिख रहा है, बाकी ड्राइंग क्लीन है। ओके, और द लास्ट ड्राइंग है आर्ट पैराडाइज का, यहाँ का उनका भी ड्राइंग ठीक है पर जो फेस है वो मैच नहीं हुआ है, बड़ा वाला फेस यहाँ पर ऊपर से थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसलिए थोड़ा अजीब दिख रहा है, बाकी नीट एंड क्लीन बना है, तो आप ड्राइंग में कंसंट्रेट ज़्यादा करो, बाकी शेडिंग आप अच्छा ही कर लेते हो। तो ये है बाकी 7 ड्राइंग्स जो मैंने पहले वाला आर्ट वीडियो रिव्यू वीडियो में नहीं दिखाया था, इस वीडियो में मैंने दिखा दिया अब। ओके, सो चलो अब फाइनली जाते हैं टॉप विनर्स और जो टॉप आर्ट्स है उसके तरफ। सो सबसे पहले है ग्रुप ए, तो ये है ग्रुप ए का टॉप 5 कैंडिडेट्स जिनका आर्ट मैंने सिलेक्ट किया है। सबसे पहला वाला है अरित्रा का एज है 13, ड्राइंग तो पहले ही देख लिया था। नेक्स्ट है स्वस्तिक शाह का, एज है 14। नेक्स्ट है निखिल का, एज है 14। नेक्स्ट है मनाली का, एज है 14। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आदित्य घोष, एज है 14। सो ये है टॉप 5 कंटेस्टेंट्स जिनको मैंने सिलेक्ट किया है मेरे आर्ट कोचिंग के लिए, मतलब इनको मैं पर्सनल गाइडेंस देने वाला हूँ, विनर बाद में बोलता हूँ। फिर अब चलो जो ग्रुप बी का टॉप 5 है वो भी देख लेते हैं। तो ये है टॉप 5 ग्रुप बी से। ग्रुप बी में बहुत सारे ड्राइंग्स थे तो मुझे बहुत टाइम लगा टॉप 5 निकालने में, क्योंकि बहुत टफ हो गया था मेरे लिए डिसाइड करना कि कौन सा ड्राइंग टॉप 5 में आएगा, क्योंकि हर एक ड्राइंग ही बहुत अच्छा था। तो अगर आपका ड्राइंग नहीं आया तो उदास मत होना, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना तो हो जाएगा शायद, पर ये जो टॉप 5 ड्राइंग्स है वो बहुत अच्छा बनाए, बहुत ही अच्छा। देखो सबसे पहला वाला जो ड्राइंग है ये है निशांत कुमार आर्ट्स का, बहुत ही नीट एंड क्लीन ड्राइंग है। हाँ यहाँ पर थोड़ा ड्राइंग छोटा वाला फेस ज़्यादा मैच नहीं है पर ड्राइंग शेडिंग स्किल बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट ड्राइंग है ब्रदर ऑफ आर्ट्स का, दो ब्रदर्स है, ट्विन ब्रदर्स। फर्स्ट वाला है अमर विश्वकर्मा का, नेक्स्ट है अभिषेक विश्वकर्मा का। यहाँ पर डिटेलिंग मतलब
स्केच एक्यूरेसी देखो, ये छोटा वाला फेस देखो एकदम हूबहू, ये वाला फेस देखो एकदम हूबहू, दोनों ड्राइंग में ये एकदम स्केचिंग बहुत ही बढ़िया है, मतलब फेसेस जो है वो बहुत ही अच्छे से शेडिंग और स्केचिंग किया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा हुआ है। नेक्स्ट है ये दो, फर्स्ट है प्रीतम का, सेकेंड है प्रशांत मजुमदार का, तो ये दो ड्राइंग भी बहुत ही सिमिलर बनाए, मतलब एक ही तरीके का दिख रहा है, मतलब और बहुत ही अच्छा बनाए, बहुत ही क्लीन आर्टवर्क है, शेडिंग स्किल बहुत ही बढ़िया है दोनों का, तो ये इसी वजह से ये जो टॉप ड्राइंग्स है फाइव ये मैंने चूज़ किया है। तो इनमें से विनर कौन है वो बाद में बताऊंगा, पहले चलो ग्रुप ए का बताता हूँ। पहले ही आप लोग को बता दूं कि आप सब लोग ही विनर्स हो, जो भी टॉप फाइव कंटेस्टेंट सिलेक्ट हुए तो आप सभी विनर हो, क्योंकि आप सभी का ड्राइंग ही बहुत बढ़िया क्वालिटी का बनाया, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों का आर्ट स्किल, शायद आई होप आप लोग फ्यूचर में भी आर्ट को कंटिन्यू करोगे और ऐसे ही बहुत सारे और भी अच्छे ड्राइंग्स बनाओगे। तो चलो फाइनल डिसीजन दे देते हैं, तो ग्रुप ए से जो विनर है उनका नाम है स्वस्तिक शाह। तो स्वस्तिक का एज है 14, ये था वो ड्राइंग, आप लोग क्लियरली देख ही सकते हो कि टॉप 5 में जो ड्राइंग्स है उसमें ये ही बहुत ही अच्छा बना है, मतलब एकदम ही अलग है, कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो ये है टॉप विनर ग्रुप ए से स्वस्तिक शाह। और अभी चलो बताते हैं ग्रुप बी का विनर कौन है। तो ग्रुप बी का भी मुझे ग्रुप बी में स्पेशली बहुत कंफ्यूजन हुआ कि जो विनर है वो कौन होगा, क्योंकि एक एक ड्राइंग में एक एक चीज बहुत बढ़िया है, किसी का शेडिंग स्किल बहुत बढ़िया है, किसी का स्केचिंग स्किल बहुत बढ़िया है, किसी का एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है। सो ये सारी चीजें मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया था, पर फाइनली मैंने मेरा डिसीजन बना लिया। पर उसके पहले भी बताता हूँ कि कोई निराश मत होना, क्योंकि आप सभी का ड्राइंग बहुत अच्छा बना था, अगर पॉसिबल होता तो मैं आप सभी को कुछ ना कुछ गिफ्ट करता, पर देख ही सकते हो मेरा YouTube चैनल बहुत ही छोटा है और मेरा मोनेटाइजेशन भी शुरू नहीं हुआ है, मतलब मैं YouTube से कुछ कमाता नहीं हूँ, पर फिर भी मैं गिफ्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए एक ही को मैं दे पाऊंगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सो जो ग्रुप बी का विनर है वो है अमर विश्वकर्मा। हाँ, ब्रदर्स ऑफ आर्ट का जो ट्विंस ब्रदर्स थे उनमें जो फर्स्ट ड्राइंग था अमर विश्वकर्मा का, वो है विनर, क्योंकि इस ड्राइंग में आप लोग जो छोटा फेस है उसे अच्छे से देखो, उसमें जो एक्यूरेसी इन्होंने किया है, मतलब मेरा दिमाग घूम गया है, इतना अच्छा एक्यूरेसी। बाकी टॉप फाइव ड्राइंग्स देख लो, उनमें से ये एकदम ही अलग बनाया है, मतलब दूसरा जो ब्रदर है अभिषेक से भी ये बहुत अच्छा बना है, और जो बड़ा वाला फेस है वो तो सभी का अच्छा बना था, इनका भी बहुत अच्छा बना है, मतलब शेडिंग स्किल एकदम रियलिस्टिक लग रहा है, थोड़ा स्केचिंग शेडिंग स्टाइल अलग है, मुझसे थोड़ा अलग है, पर उससे क्या जाता है, ड्राइंग तो अच्छा बनाया है ना, तो ड्राइंग स्किल बहुत ही बढ़िया है, एक्यूरेसी एकदम 100% है। अमर, मैं आपको बोलूंगा कि आप आर्ट को लेकर ही कंटिन्यू करें नेक्स्ट में, फ्यूचर में, क्योंकि आर्ट में आपका स्किल बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि कौन सा चीज ठीक बन रहा है या फिर नहीं, तो इसलिए आपका ड्राइंग मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने एक्यूरेसी बहुत अच्छे से किया और फेस में, दोनों फेस में बहुत अच्छे से शेडिंग भी किया। एक बात मैं आपको बोलूंगा, आपने थोड़ा जो बैकग्राउंड में है उसमें थोड़ा कम टाइम दिया है, ठीक है, उसमें अगर और भी अच्छे से शेडिंग करते, जैसे कि निशांत ने किया था, जैसे कि प्रशांत ने किया था, और बाकी जो प्रीतम निशांत और जो प्रशांत है उनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही अच्छा बना है, ठीक है, तो बैकग्राउंड में उनका ड्राइंग अच्छा है, पर जो पोर्ट्रेट्स है दो वो आपका अच्छा बना है, ठीक है, तो आपको बैकग्राउंड में ध्यान देना है, और निशांत प्रशांत और जो निशांत प्रशांत और प्रीतम, आप लोग आपका जो पोर्ट्रेट है उसमें एक्यूरेसी में ज्यादा ध्यान दो। सेम बात मैं अभिषेक को भी बोलूंगा, अभिषेक आपका जो बैकग्राउंड में उसमें थोड़ा ध्यान देने का जरूरत है। बट फाइनली ग्रुप बी का जो विनर है वो है अमर विश्वकर्मा, और ग्रुप ए का जो विनर है वो है स्वस्तिक शाह। तो इन दोनों को मैं बोलूंगा कि जल्दी से जल्दी मेरे साथ कॉन्टेक्ट करो इंस्टाग्राम पर, या फिर ईमेल कर दो मुझे फिर से वही वाले ईमेल से, ठीक है, ईमेल कर दो तो मैं आपके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर लूंगा, फोन कर लूंगा, तो उसके बाद जो गिफ्ट है वो मैं दूंगा। तो जो प्राइज है वो है ब्रस्टो का ये कलर पेंसिल सेट, तो स्वस्तिक को एक ऐसा एक पेंसिल सेट मिलने वाला है, और अमर विश्वकर्मा को भी ऐसा एक पेंसिल सेट मिलने वाला है, तो जल्दी से जल्दी मेरे साथ कॉन्टेक्ट करो, ये है आप लोगों का गिफ्ट, तो मैं आपको आपके एड्रेस में भेज दूंगा ये वाला गिफ्ट।
तो आई होप आप लोगों को ये पूरा आर्ट कॉम्पिटिशन बहुत पसंद आया है, और आप लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मुझे ऐसे इंस्पायर किया मेरे इतने छोटे एक चैनल में आके पार्टिसिपेट करके। तो आई होप नेक्स्ट आने वाले कॉम्पिटिशन्स में भी आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, नेक्स्ट आर्ट कॉम्पिटिशन भी बहुत ही जल्द आने वाला है, दिवाली में आने वाला है, तो उनके लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। फॉर नाउ आई एम दीप साइनिंग ऑफ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक, पीस।